यू नो वॉट, जब मैंने लाइफ को डिस्कवर किया एंड आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग इट, मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं तो रेगुलर वीडियोज़ तो बनाऊंगा ही, बट आई नेवर थॉट कि दिस वुड एवर हैपन एंड आई हैव टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. या इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाना, ट्रस्ट मी हम सब इससे गुजरे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इंस्पिरेशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड वक्त में भी मिल जाती है. सो हेयर इट इज़, जस्ट लाइक आई प्रोमिस्ड, वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ माई लाइफ. बीइंग क्रिएटिव अपने आप में ही बहुत अलग और खास बात है, एंड बीइंग क्रिएटिव ऑन डिमांड इज वेरी डिफिकल्ट. इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा आती नहीं, चाहे आप कितने भी क्रिएटिव क्यों ना हो, एंड इंस्पायर्ड रहना बहुत जरूरी है. डू यू हैव इंस्पिरेशन? नो, लेट्स फाइंड इट. अब सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन, और शायद ये रूटीन ही कारण बन जाता है इंस्पिरेशन खत्म होने का, क्योंकि हर चीज़ हर रोज़ करनी होती है कंसिस्टेंटली. अब कंसिस्टेंसी से सिर्फ परफेक्शन आता है, उसका इंस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं. तो अब चेंज करना होगा रूटीन, बट यू कांट जस्ट स्टार्ट दिस न्यू रूटीन विदाउट लेटिंग समथिंग गो. पुराने रूटीन के परफेक्शनिस्ट जो बन चुके हो, तो अब हमें उस रूटीन से जो कुछ भी हटाना है उसकी मेन रूट समझते हैं. गुड आफ्टरनून. वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक फॉर everyone, स्पेशली क्रिएटिव पीपल, क्योंकि हमारा रूटीन और फंडे दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं. आपका माइंड जब एक्चुअल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में होता है, तो आप इन्वाइट करते हो इंस्पिरेशन. सीकिंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एवरी नाउ एंड देन और ब्रेकिंग आवर रूटीन कैन बी हेल्पफुल एंड रिफ्रेशिंग. अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठ जाएं. टेक अ ब्रेक, रीड बुक, लिसन टू म्यूजिक और पॉडकास्ट, और वॉच योर फेवरेट मूवी. रिमेंबर, प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, पर खाली बैठना, इफ यू हैव बीन सिटिंग एट योर डेस्क फॉर आवर्स, टेक अ ब्रेक एंड कहीं और काम किया जाए, कहीं और जगह. दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू एड न्यू हैबिट्स टू योर रूटीन. अबे यार, इसलिए मैं बाहर के शॉट नहीं लेता. ठीक है जा रहा हूं. ये जो कुछ ना करने की फीलिंग है ना, ये यहीं से आती है. जब आपको पता ही नहीं होगा आपके गोल क्या है, तो आप कुछ करोगे ही नहीं. कभी सोचा है, जब एग्जाम्स होते थे तो हम ना चाहते हुए भी इतने मोटिवेटेड क्यों रहते थे? क्योंकि पता है फेल हुए तो फटेगी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस. हमें कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता था, गोल ना अचीव करने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस. अब जब आपका गोल ही क्लियर नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो. प्लानिंग यहाँ क्रूशियल है, लेकिन प्लानिंग करने से प्रोग्रेस नहीं होगी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. प्लानिंग कर लोगे, फिर बेनिफिट्स का वेट करते रहो. बेनिफिट्स आएंगे नहीं, आप मोटिवेटेड रहोगे नहीं, और मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो इंस्पिरेशन तो आएगी नहीं ना.
अब डिस्ट्रैक्शंस इतनी है कि आप अपने गोल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसलिए आपको कुछ करना होगा टू रिमाइंड यू कि आपके आखिरकार गोल क्या हैं। और डिस्ट्रैक्शन से याद आया, सोशल मीडिया। हाँ, आई नो इस बारे में आपने बहुत सुना होगा कि सोशल मीडिया से ये, सोशल मीडिया से वो, लेकिन सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा दोस्त है, इट्स लाइक योर फ्रेंड, जो आपके सामने आपको तो बहुत अच्छा दिखाएगा लेकिन आपके जाते ही विल बिच अबाउट यू। इट हैज़ लेड टू वेरियस मेंटल इश्यूज। लाइक एक टाइम तुम कुछ ऐसा देखते हो कि तुम उसे समझते हो, लेकिन एक टाइम तुम कुछ ऐसा देखते हो कि तुम हंसने लग जाते हो, कभी रोने लग जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। सो दिस कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ इमोशन हैज़ लेड टू वेरियस मेंटल इश्यूज इन लॉन्ग टर्म। आई वुड नॉट आर्ग्यू कि अगर कोई मुझे बोले कि सोशल मीडिया इज द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड लूजिंग अटेंशन और यू नो रिटेंशन, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पेन ह्यूमंस का इज लेस देन गोल्ड फिश नाउ, विच इज 8 seconds। गोल्ड फिश से भी ज्यादा कम अटेंशन स्पेन, 8 seconds। चलो इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये सब तो आपने सुना ही होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज सोशल मीडिया, मेक अ सेपरेट अकाउंट और वहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, मीम पेजेस नहीं। वहाँ वही रील्स देखो और वही सेव करो जो आपको प्रोडक्टिव लगते हैं और जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आपको पुश करेंगे इन करियर, राइट? और इस तरह आप उस कंटेंट के जाल से दूर रहोगे, ठीक है? ये नहीं सुना होगा, मैंने बता दिया, थैंक यू, वेलकम। इस लाइफ में हर चीज़ का संतुलन है और संतुलन बिगड़ जाने से लाइफ बिगड़ जाती है, इसलिए ज़्यादा मोटिवेशन को चेस करने से, तेरी वीडियो भी तो मोटिवेशन है, हाँ तुम्हारे लिए वो मोटिवेशन होगी, बट आई टॉक अबाउट फीलिंग्स दैट वी कैन रिलेट टू, फैक्ट्स। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स, रील्स एंड शॉर्ट्स, तो हम एक इल्यूजन में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए होती है तो आपको वहाँ से मिल जाती हो, फिर वो सही हो या गलत। इतना मोटिवेशन देख के इल्यूजन हो जाता है कि सारा काम तो हो ही गया है, अब तो हो ही जाएगा, मुझे तो सब आ ही गया है, लेकिन असली में कुछ हुआ नहीं होता। जो मोटिवेटेड एनर्जी सिर्फ सोशल मीडिया पे वेस्ट हो जाती है। सोशल मीडिया बोला था, और किसने कहा मोटिवेशन सिर्फ पॉजिटिव होती है? कृष्ण भगवान ने कहा है, सक्सेस और फेलियर, प्रॉफिट और लॉस, अच्छा वक्त और बुरा वक्त, सब समान है, जस्ट ट्रीट देम सेम। और फेलियर तो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, जैसे फल की चिंता नहीं करना, उससे मोटिवेशन रहती है और आप इनवाइट करते हो इंस्पिरेशन। अगर सक्सेस से मिलना है तो फेलियर से हर रोज मुलाकात करनी होगी, इसलिए फेलियर बहुत कुछ सिखा देता है। कभी भी इंस्पिरेशन खत्म हो जाए तो अपनी अभी तक की जर्नी याद कर लेना, कहाँ थे और कहाँ आ गए। इंस्पिरेशन बहुत ही अजीब चीज है, आप उसे कभी बुलाते नहीं, वो खुद से आ जाती है, जैसे घर में बिन बुलाए मेहमान, लेकिन जब आते हैं तो अच्छे से रह के जाते हैं। दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल, ये है मैजिक मोमेंट, यू डोंट हैव टू मिस इट। उस वक्त राइट डाउन समथिंग ऑन योर डायरी, इसलिए आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ दिस डायरी, दिस इज वेयर आई ऑल कीप ऑल द थिंग्स। आपको कुछ याद आया, जैसे आपको कोई म्यूजिक याद आता है और आप ऐड कर देते हो प्लेलिस्ट में कोई भी सॉन्ग तुरंत, ऐसे ही राइट इट डाउन जब भी आपको कुछ ऐसा लगे। आई नो यू कैन यूज फोन एज वेल, पर आई एम अ गाय जो अभी भी PDF से ज़्यादा बुक प्रेफर करता है, तो राइटिंग विद हैंड इंस्पायर्स मी टू राइट आइडियाज मोर। अब यहाँ मेरे सारे आइडियाज इकट्ठा रहते हैं, कनेक्टेड नहीं होते सारे, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो शायद डॉट्स कनेक्ट हो जाती हैं। और यूज नोट्स ऑन योर फोन, हाँ फोन का ये भी इस्तेमाल है। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन द क्रिएटर जर्नी सो फार इज, कभी कभी आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, जैसे परफेक्शन एंड अ सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, बिकॉज दिस किल्स द प्रोडक्ट। आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसके लिए रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यू नो एफर्ट। जैसे आप अपनी पीक पे जाने के बाद फेल हो जाते हो और फिर दोबारा शुरू करते हो, या फिर एक सैंड की तरह, एक धूल की तरह पहले अनसेटल्ड रहना और फिर धीरे धीरे करके टाइम के साथ सेटल हो जाना।
जब भी मैंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट काम किया तो मुझे कुछ आइडियाज छोड़ने पड़े जो कि आज के टाइम शायद वर्क करते, लेकिन आई वॉज फोकस्ड ऑन समथिंग आई वॉज क्यूरियस अबाउट और वट वॉज मिसिंग फ्रॉम ऑल द थिंग्स आई ऑलरेडी लव्ड एंड दैट इंस्पायर्स मी. एंड टू द वंस हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट एंड लव योर सपोर्ट. गुड लक अगर आप अपनी इंस्पिरेशन फाइंड कर रहे हैं. मिलते हैं जल्दी, बाय. और मेरी इंस्पिरेशन है डी हंसर. मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि कलर ग्रेडिंग तो ठीक है लेकिन इतना अच्छा कैसे. हियर कम्स द डी हंसर, द बेस्ट कलर ग्रेडिंग टूल टू एवर एग्जिस्ट फॉर फिल्म मेकर्स. दिस कैन टेक योर कलर ग्रेडिंग टू नेक्स्ट लेवल. वो जो बेस्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का सफर है वो डी हंसर तय करता है. आई पर्सनली यूज इट्स प्लग इन यूजिंग DaVinci Resolve एंड आई एम इन लव विद इट. आई लव इट्स ऑल फीचर्स, फिल्म एमुलेशन, फिल्म प्रिंट्स. वो जो कलर ग्रेडिंग है ना इंडस्ट्री लेवल, यू कैन रियली अचीव इट यूजिंग DaVinci. और मेरा फेवरेट फीचर दैट मेक्स द वीडियो लुक सिनेमैटिक, फिल्म ग्रेन्स, हिलेशन एंड ब्लूम. कभी यूज करके देखो. इवन दिस वीडियो इज कलर ग्रेडिंग यूजिंग DaVinci. प्योर सिनेमैटिक्स. एंड या इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द कूपन कोड टू गेट द मैसिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ चेकआउट. आई पर्सनली रिकमेंड इट टू एनी वन. इट्स एक्सलेंट, इट्स ब्रिलियंट. आई कैन नॉट स्टॉप अप यू नो टेलिंग यू मोर अबाउट इट. आई लव इट एंड थैंक यू DaVinci फॉर द कोलेबोरेशन. DaVinci मेरी मोटिवेशन है.